नालागढ़ पुलिस चौकी के अंतर्गत ककराला टिब्बा के पास एक पंजाब का युवक रात के समय ट्रैक्टर चोरी करके ले गया और उसे बेचने के लिए पंजाब के पटियाला की ओर जा रहा था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन के आधार पर आरोपी का पीछा किया और उसे पंजाब के राजपुरा से ट्रैक्टर समेत गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने यह चोरी ट्रैक्टर का मसला 24 घंटे में ही सुलझा लिया है और आरोपी को पुलिस नालागढ़ कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि उनकी पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह पंजाब का रहने वाला युवक कहां कहां चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और कौन कौन से केसों में यह संलिप्त है, इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए दभोटा चौकी इंचार्ज दीवान चंद ने बताया कि पुलिस को रात करीबन 12 बजे के आसपास शिकायत मिली कि दभोटा के पास ककराला गांव के टिब्बा से एक ट्रैक्टर चोरी हुआ है, जिस पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की लोकेशन और सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसका पीछा किया गया और पंजाब के राजपुरा से आरोपी को ट्रैक्टर समेत गिरफ्तार कर लिया। ये दिनांक 5 तारीख को रात को कमलजीत सिंह ने शिकायत पत्र दिया था कि मैंने बोर बैरिंग का काम खेत में लगा रखा है और वहां पर मेरा ट्रैक्टर खड़ा था, जो बोर बैरिंग पर एक वर्कर काम कर रहा था जिसका नाम मंदीर है, वो ट्रैक्टर को चोरी करके ले गया है। जो हमने सीसीटीवी कैमरों व लोगों से पूछताछ करके विद इन 24 आवर जो है रात पूरा पंजाब से ट्रैक्टर और आरोपी दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? अब जो है आरोपी से पूछताछ जारी है, अगर भी कोई कहीं किसी अन्य चोरी में तो संलिप्त है या नहीं है। इनको कोर्ट में कब पेश करेंगे सर? इनको कोर्ट में कल पेश करेंगे। इसका क्या नाम है सर और क्या यहाँ पे काम करता था? इसका नाम मनदीप सिंह है, ये पंजाब का रहने वाला है, वो बोरिंग मशीन पे काम वर्कर का काम करता था। क्या मकसद क्या रहा, कुछ पता चला अब तक? इसका कहाँ लेके जा रहा था, बेचने के लिए जा रहा था, क्या करना था? अभी यहाँ से चोरी के नीयत से ले गया था पंजाब की तरफ, तो अभी बेचा तो था नहीं इसने, मतलब अभी तो कितनी हमने जल्दी जो है इसको कवर अप कर लिया, बाकी बेचने की मंशा से ले जाना पाया जा रहा। अब एक दभोटा चौकी में केस दर्ज हुआ था ट्रैक्टर चोरी मामला, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? यस, ये 143/23 FIR है अंडर सेक्शन 379 IPC। इसमें ट्रैक्टर चोरी की इतला आई थी एंड SHO साहब और एक स्पेशल टीम जो CCTV टीम है उन्होंने मिलकर इसमें काम किया। विद इन नो टाइम ट्रैक्टर रिकवर कर लिया है एंड क्योंकि CCTV में जाने की लोकेशन आ गई और हमारी स्पेशल जो सेल रहता है उन्होंने जो एक्यूज था उनको भी ट्रैप कर लिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से, हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि नालागढ़ क्षेत्र में CCTV लगने चाहिए। 2-3 दिन पहले भी 3 चोर काबू आए जिन्होंने 2-3 जगह चोरियाँ की थी, वो भी CCTV के माध्यम से हुआ, अब ट्रैक्टर चोरी भी पकड़ा गया। हम CCTV के माध्यम से अपने एरिया को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए, हमारी टीम्स का यही प्रयास है। एक दिन ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा जब हर तरफ CCTVs होंगे तो एक ऑटोमेटिकली लोगों में डर जाएगा। पर जहाँ तक इस केस की बात है, इसमें आगामी कार्रवाई एज पर लॉ की जा रही है।